कितने लोगों की बुकिंग है कल? 150-200 आदमी, 10 बजे से लेके 4 बजे तक की। उस बीच में शादी होगी? उसी बीच में। तो शादी पूरे रीति रिवाज से होनी है? हाँ, पूरी रीति, मंडप उंडप सब लगेगी, मंडप उंडप सारे लगेगी। बारात वरात भी आनी है? बारात वरात तो अब उनके गाँव से आई तो हमें नहीं मालूम है, बस बनाते हैं उस तरीके का इंतजाम होगा। नहीं, खाना उना सब बनेगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी शादी होने जा रही है जिस पर 4 राज्यों की पुलिस की निगाह है। ये शादी किसी और की नहीं बल्कि दिल्ली हरियाणा के नामी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जथेड़ी और लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी की है। 12 मार्च को यानी कल वो शादी के मंदिर में बंध जाएंगे, लेकिन इस शादी पे कहीं ना कहीं पुलिस की चिंताएं बढ़ाई हैं, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस शादी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेड़ी गैंग के जो विरोधी हैं वो किसी तरीके का उपद्रव पैदा ना कर दें। इसके मद्देनजर ना सिर्फ 4 राज्यों की पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसीज की निगाह भी शादी पर बनी हुई है। अगर बात करें शादी समारोह स्थल की तो इस वक्त हम ही मौजूद हैं। मटियाला के अंदर ये शादी समारोह स्थल है संतोष गार्डन, और यहाँ पर जो भी मेहमान आएगा उसको इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा, यानी आने वाले शख्स को पूरी तरीके से स्कैन किया जाएगा। 150 गेस्ट के आने की यहाँ पर इजाज़त दी गई है, 150 गेस्ट की शादी है और हर गेस्ट के पास एक बारकोड होगा, उस बारकोड को स्कैन करके ही उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। ना सिर्फ मेटल डिटेक्टर बल्कि पूरी शादी पर सीसीटीवी कैमरों की भी निगाह होगी, और ना सिर्फ जो नॉर्मल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके अलावा दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर अपने सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल कर रही है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम कैसा होगा उसको दिखाते हैं अंदर चल के। ये जो पूरा एक जो ऑफिस है इस संतोष गार्डन का, उसमें ये सीसीटीवी कंट्रोल के लिए यहाँ पे पुलिस के लोग बैठेंगे और पूरी तरीके से पैनी निगाह बना के रखेंगे। कोई भी शख्स अगर इसमें आता है और ऐसा शख्स जिसके ऊपर संदेह हो उसको पहले ही रोक लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम कैमरास के जो फ्रेम है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें इस मैरिज हॉल के अंदर तो मात्र 150 लोग आएंगे और शादी की सारी जो विधि होती है जिस तरीके से पूरी शादी निभाई जाती है वो शादी यहाँ पर की जाएगी। स्टेज पर स्टेज भी लगाया गया है, फेरों की बेदी भी लगाई गई है और फेरे होंगे। शादी में को लिए 6 घंटे की जो पेरोल है वो काला जथेड़ी को दी गई है और 10 से 4 बजे तक ही सलोन के अंदर शादी करने की इजाज़त दी गई है। यानी पूरी शादी जो है वो पुलिस की एक निगाह के अंदर होगी, ना सिर्फ पुलिस बल्कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी लगातार यहाँ पे आकर मॉनिटरिंग कर रही हैं और लगातार जो लॉन है उसके जो स्टाफ है उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से कल यहाँ पर जो है वो उनको यहाँ पे अपना करेक्टर प्ले करना है। इसके अलावा जो स्पेशल सेल के लोग हैं या क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के लोग वो भी शादी समारोह के अंदर शामिल होंगे। और सबसे अहम बात कि आने वाले हर जो मेहमान है उसके पास एक बारकोड होगा, उसको स्कैन करके ही उनके अंदर एंट्री की जाएगी। फिलहाल ये शादी तो कल हो रही है लेकिन इसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस की चिंताएं बनी हुई हैं। जो हमारे स्टाफ होंगे उनकी ही एंट्री होगी, बाकी बाहर के आदमी कोई नहीं होगा। जिनको पास होगा उनको एंट्री होगी और किसी को नहीं होगी। तो आप लोगों को कोई हिदायत दी गई है पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने अपने आईडी प्रूफ जितने भी सारे स्टाफ है उनका आईडी प्रूफ जमा कर दिए हैं, वो पास देंगे वही आएंगे अंदर। इसके अलावा कोई और लोग आए यहाँ पे पूछताछ करने के लिए? हम बहुत रोज आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? NIA क्राइम ब्रांच से जो भी है सब आ रहे हैं, चेक करके जा रहे हैं। अच्छा, वो स्कैन मशीन भी छोड़ गए यहाँ पे। कितने लोगों की बुकिंग है कल? 150-200 आदमी की। कितने बजे के लिए बुक? 10 बजे से लेके 4 बजे तक की। उस बीच में शादी होगी? उसी बीच में। शादी पूरे रीति रिवाज से होनी है? हाँ, पूरी रीति, मंडप उंडप सब लगेंगे, मंडप उंडप सारे लगेंगे। बारात वरात भी आनी है? बारात वरात तो अब उनके गांव से आई तो हमें नहीं मालूम है, बस इतना है। मासा बनाते हैं उस तरीके का इंतजाम नहीं है? नहीं, खाना उना सब बनेगा, सब तैयार है, फेरे होंगे, पूरे मंडप के लिए भी व्यवस्था हो रखी है।